हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मसाला टेक पर। दोस्तों आज के शो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जब आप अपना थंबनेल बनाएंगे और थंबनेल के ऊपर जब आप अपनी फोटो को लगाएंगे या फिर किसी की भी फोटो को लगाएंगे तो वहां पर दोस्तों किस तरीके से आप व्हाइट आउटलाइन का यूज कर सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपने देखा होगा कि काफी सारे जो यूट्यूबर होते हैं जब वो अपना थंबनेल बनाते हैं तो वहां पर दोस्तों वो अपनी फोटो के ऊपर या फिर किसी की भी फोटो के ऊपर वहां पर आउटलाइन का यूज करते हैं जो देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं कि किस तरीके से इस व्हाइट लाइन को आप अपनी फोटो के पर यूज कर सकते हो तो ऐसे में दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। तो चलिए अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहां पर मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह की ढेरों सारी इंफॉर्मेशन को देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों बाकी की बातें मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर समझा देता हूं ताकि दोस्तों यहां पर आपको सारी बातें समझ में आ जाए। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले आप सभी को अपने फोटो के ऊपर व्हाइट आउटलाइन को लगाने के लिए अपने फोटो को यहां पर पीएनजी फॉर्मेट में आपको बनाना पड़ेगा। इसके ऊपर दोस्तों मैं पहले से एक वीडियो बना चुका हूं तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो जरूर से देख लीजिएगा। तो यहां पर मैं आपको जल्दी से समझा देता हूं कि किस तरीके से आप अपनी फोटो को या फिर किसी की भी फोटो को पीएनजी फॉर्मेट में बदल सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप अपने फोन में किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लीजिएगा, उसके बाद दोस्तों आपको इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर वीडियो का लिंक डाल दूंगा तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। जैसे ही दोस्तों आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो यहां पर आपके सामने सेलेक्ट फोटो का एक ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है और जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने फाइल मैनेजर को चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहां पर दोस्तों आप अपने फाइल मैनेजर चूज कर लीजिएगा। यहां पर दोस्तों आप अपनी किसी भी फोटो को चूज कर लीजिएगा जिस भी फोटो को आप पीएनजी फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पीएनजी फॉर्मेट में अपने फोटो को या फिर किसी भी फोटो को चेंज करना पड़ेगा व्हाइट आउटलाइन को लगाने के लिए। तो यहां पर दोस्तों मान के चलिए मैं इस फोटो को चूज कर लेता हूं। जैसे दोस्तों मैं इस फोटो को चूज करूंगा तो यहां पर दोस्तों जो प्रोसेस है वो अपने आप स्टार्ट हो जाता है और यहां पर दोस्तों केवल 5 सेकंड में यहां पर जो मेरी फोटो है पीएनजी फॉर्मेट में चेंज हो जाएगी। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं ऊपर वाले फोटो में यहां पर आपको इस फोटो का बैकग्राउंड नजर आ रहा है जबकि नीचे वाले फोटो में इसका जो बैकग्राउंड है वो पूरी तरीके से गायब हो चुका है। तो यहां पर सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों यहां पर आप सभी को क्या करना है चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर दोस्तों आप सभी को अपने फोन में एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इस एप्लीकेशन का नाम है पिक्सलैब, ठीक है। इसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों सिंपली इस एप्लीकेशन को आप अपने फोन में ओपन कर लीजिएगा जहां पर दोस्तों ये एप्लीकेशन आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर आपको थंबनेल बनाने के लिए 3 डॉट पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा इमेज साइज का, ठीक है। तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना और यहां पर आपको कस्टम वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहां पर आपको YouTube थंबनेल वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको ओके कर देना है। जैसे दोस्तों आप ओके करेंगे तो यहां पर ये जो न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है इसे आप डिलीट कर दीजिएगा इस तरीके से और यहां पर आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने इंपोर्ट का एक ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर हमने जो अभी पीएनजी फॉर्मेट में अपनी फोटो को बनाया है उसे आपको चूज कर लेना है। जैसे दोस्तों आप इसे चूज करेंगे तो यहां पर दोस्तों आप इसे कॉर्प कर लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। इसे हम दोस्तों यहां से कॉर्प कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको राइट के निशान पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप राइट के निशान पर क्लिक करेंगे तो यहां पर दोस्तों आपसे खींच के थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा और यहां पर हमने इसे बड़ा कर लिया। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहां पर हमने अपनी फोटो को पीएनजी फॉर्मेट में चेंज कर लिया है और इसे हमने अपनी थंबनेल पर फिट कर लिया जो देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। चलिए दोस्तों अब इसका हम व्हाइट आउटलाइन बनाते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको वापस इस फोटो के ऊपर क्लिक करना है और यहां पर दोस्तों आपको थोड़ा सा आगे जाना है और आगे जाने के दोस्तों यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्ट्रोक करके, ठीक है। तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहां पर इसे ऑन कर देना है। और जैसे दोस्तों आप इसे ऑन करेंगे तो यहां पर आपको व्हाइट कलर चूज कर लेना है। आप चाहो तो दोस्तों कोई भी कलर चूज कर सकते हैं लेकिन दोस्तों यहां पर आप व्हाइट कलर चूज कर लीजिएगा। व्हाइट कलर को चूज करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको इसे थोड़ा सा बढ़ा देना है, ठीक है। इस तरीके से आप जैसे ही बढ़ाएंगे तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपको जितना भी व्हाइट लाइन चाहिए यहां पर आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं इतना ये देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी किसी भी फोटो पे इस तरीके से व्हाइट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं जो देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको तरीका पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।